बीजेपी विधायक रामलल्लू बैस ने एक नई पेशकश की है। उनका कहना है उनकी विधानसभा के जिन इलाकों में कोरोना के लिए 100% वैक्सीन होगी वहीं वे विकास के लिए विधायक निधि देंगे। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलल्लू बैस ने कहा जिस पंचायत व नगर निगम के वार्ड में निवासरत व्यक्तियों का 100% वैक्सीनेशन होता है ऐसे क्षेत्र व पंचायत एवं नगर निगम वार्डों को विकास कार्य के लिए विधायक निधि दी जाएगी। विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। कोविड-19 की तीसरी लहर आने के पहले 100% वैक्सीनेशन होने से संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है, इसीलिए सभी लोग वैक्सीन का डोज लें। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम के वार्ड में जहाँ वैक्सीनेशन 18 वर्ष से आयु वर्ग से लेके और जितने भी ऊपर के आयु वर्ग के हैं यदि उस वार्ड में या उस ग्राम पंचायत में 100% हो जाता है तो विधायक निधि से उस वार्ड का उस पंचायत का विकास करने के लिए हमने एक परिपत्र जारी किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।